दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरमान मलिक, पायल मलिक और कीर्तिका मलिक की। इनकी ये वायरल जोड़ी तो आपने सोशल मीडिया पर देखी ही होगी, जो अक्सर ट्रोल होती रहती है। अरमान मलिक की पायल और कीर्तिका दोनों ही बीबियां हैं और अरमान ने दो शादियां की हैं। इनके साथ में वीडियोज़ देखकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि अरमान ने आखिर दो शादियाँ क्यों की और कीर्तिका मलिक और पायल मलिक दोनों में से अरमान की पहली पत्नी कौन है, एंड ये जो इनका एक बच्चा है वो पायल और कीर्तिका में से किसका है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर अरमान, पायल और कीर्तिका मलिक ने अपना धर्म क्यों बदला, क्योंकि ये तीनों पहले हिंदू थे और हिंदू से आखिर ये मुसलमान क्यों हो गए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। आज भी कहता हूँ और कल भी यही कहूँगा, नाराज मत होना मेरी जान, तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा। दोस्तों अरमान मलिक का असली नाम संदीप है और अरमान मलिक का जन्म 1990 को अजमेर राजस्थान में हुआ था। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक हैं, जिनका जन्म 1991 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इन अरमान और पायल दोनों ने साल 2011 में लव मैरिज शादी की थी। अरमान और पायल की पहली बार मुलाकात बैंक में हुई थी। इन पायल एक बैंक में प्राइवेट जॉब करती थी और अरमान भी काम के चलते बैंक में आते जाते रहते थे, तो दोनों ने अपने फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लिए और मात्र 6 दिनों में ही एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे थे कि दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी कर ली। कोर्ट मैरिज अरमान और पायल को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पायल की फैमिली इतने कम दिनों में शादी के अचानक फैसले के खिलाफ थे, लेकिन जब इन दोनों ने शादी कर ली तो पायल की फैमिली वाले भी इनके रिश्ते से खुश होकर इनके साथ हंसी खुशी रहने लगे। इनकी शादी को कई साल बीत गए लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस के चलते पायल मां नहीं बन पाई। ऐसे में काफ़ी मिन्नतों के बाद और काफ़ी इलाज कराने के बाद साल 2016 में पायल और अरमान मलिक के घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जिसको आप सब इनके साथ वीडियोज एंड फोटोज़ में देखते रहते हैं। पायल के इस बेटे का नाम चिरायु मलिक है और ये लोग चिरायु को प्यार से चीकू कहते हैं। अरमान और पायल अपने बेटे चीकू के साथ हंसी खुशी रह रहे थे, तभी अरमान की लाइफ में कीर्तिका आई, जो करंट टाइम में अरमान की सेकंड वाइफ हैं। कीर्तिका का असली नाम कीर्तिका बसरा है और इनका जन्म 1994 को न्यू दिल्ली में हुआ था। पायल एंड कीर्तिका एक दूसरे को काफ़ी पहले से ही जानती थी और ये काफ़ी अच्छी दोस्त थी, और साल 2018 में चीकू के बर्थडे पर पायल ने कीर्तिका को इन्वाइट किया था और वहीं अरमान और कीर्तिका की पहली बार मुलाकात हुई थी। चीकू की बर्थडे पार्टी में इन लोगों ने खूब इन्जॉय किया और साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और फोटोज़ एक दूसरे के पास भेजने के लिए कीर्तिका एंड अरमान ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लिए। अरमान को कीर्तिका पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और कीर्तिका एक मेकअप शोरूम में काम करती थी, जहां अरमान कीर्तिका से मिलने काम करवाने के बहाने जाते रहते थे एंड फ़ोन पर भी इन दोनों की बात होती रहती थी। टाइम के साथ इनकी ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कीर्तिका एंड अरमान एक दूसरे को पसंद करने लगे और कुछ ही दिनों में इन दोनों ने कोर्ट मैरिज शादी कर ली, लेकिन कीर्तिका एंड अरमान ने ये बात सभी से छुपाई। तभी कुछ महीनों बाद कीर्तिका एंड अरमान ने अपनी अपनी फैमिली को ये बात बताई तो पायल को अचानक झटका लगा एंड कीर्तिका की फैमिली ने भी कीर्तिका को काफ़ी डांटा क्योंकि अरमान पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे टाइम में अरमान ने पायल को और कीर्तिका की फैमिली को काफ़ी समझाया और मनाया, तो पायल मान गई और कीर्तिका की फैमिली भी मान गई, लेकिन पायल के परिवार वालों को अरमान की जब दूसरी शादी की बात पता लगी तो उन्होंने अरमान पर केस कर दिया और वो पायल एंड चीकू को अपने साथ अपने घर ले गए, लेकिन पायल अरमान के बिना नहीं रह पाई और कुछ ही दिनों में वापस अरमान के पास आकर रहने लगी। एंड तब अरमान ने कीर्तिका से पायल के सामने शादी की और बाद में ये एक फैमिली बनकर रहने लगे। हिंदू धर्म में अरमान एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं कर सकते थे, तो अरमान ने कीर्तिका से शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लिया और संदीप से अरमान मलिक बन गए। अगर हम ध्यान दें अरमान मलिक, कीर्तिका मलिक और पायल मलिक के सोशल मीडिया कैरियर पर, तो अरमान मलिक, पायल मलिक एंड कीर्तिका को फेम टिकटॉक से मिला था। अरमान टिकटॉक पर काफ़ी पहले से वीडियोज़ बनाते थे और बाद में ही अपनी दोनों बीवियों के साथ में वीडियोज़ बनाने लगे, यानी इनकी इसी अटपटी जोड़ी को टिकटॉक पर काफ़ी पसंद किया गया। टिकटॉक इंडिया में बैन होने से पहले इनके टिकटॉक पर मिलियंस में फॉलोअर्स थे। टिकटॉक के बाद ही इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लगे एंड आज के टाइम में अरमान मलिक के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड पायल के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं कीर्तिका के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। साथ ही इनका एक यूट्यूब पर फैमिली फिटनेस नाम से चैनल भी है, जिस पर अभी 9 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो दोस्तों ये थी अरमान मलिक, पायल मलिक एंड कीर्तिका मलिक के बारे में कुछ खास जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल अपनी हिंदी को सब्सक्राइब भी कर देना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में।